WWE Backlash Premium Live Event हो चुका है और जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी मेरा ख्याल से उससे कई ज़्यादा बेहतर WWE ने डिलीवर किया है इस बार, वो भी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दूंगा बैकलैश का क्विक रिव्यू और सबसे पहली जो मैच हमें पोर्टो रिको के अंदर ये बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट हुआ था WWE का और सबसे पहली जो मैच हमें देखने को मिला वो था रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए, जहां पर बियांका ब्लेयर अपने टाइटल को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट इयो स्काई और एक डिसेंट मैच था। काफ़ी हद तक इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस मैच से, मतलब फैंस का ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पोर्टो रिको का जो क्राउड था उसका बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट था, ना सिर्फ इस मैच के अंदर बल्कि हर मैच के अंदर हर सुपरस्टार को जिस तरह का पोर्टो रिको का क्राउड रिएक्शन दे रहा था वो देखना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। और मेरे ख्याल से WWE को अब इस तरह का रिएक्शन मिल रहा था हर सुपरस्टार को, चाहे वो हील है या फेस है, पोर्टो रिको का क्राउड जो है उसे तगड़ा रिएक्शन दे रहे थे। बहरहाल दोस्तों, इस मैच के हवाले से बात करें तो बियांका ब्लेयर ने इस मैच के अंदर इयो स्काई को हरा दिया और अपनी रॉ वुमेन चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। इसके बाद जो अगला मैच हमें देखने को मिला ये फर्स्ट टाइम एवर मैच था एक तरह का, जहां पर सेथ फ्रीकिन रॉलिंस जो थे वो फेस कर रहे थे ओमोस को। और भाई सेथ इस बारी ओमोस को भी मैंने देखा है कि जो रिएक्शन मिला था पोर्टो रिको के क्राउड की तरफ से अगेन वो काफ़ी अमेजिंग था और इस तरह का रिएक्शन ओमोस को मैंने मिलते हुए देखा नहीं है, चाहे वो रेसलमेनिया हो या फिर रॉ का भी कोई एपिसोड हो, इस तरह का क्राउड रिएक्ट नहीं करता ओमोस की दफ़ा, लेकिन पोर्टो रिको का क्राउड था तो तगड़ा रिएक्शन मिलता ओमोस को भी। और फिर सेथ रॉलिंस तो हैं सेथ रॉलिंस, और जिस तरह का रिएक्शन सेथ रॉलिंस को मिला, उन्होंने अपनी एंट्रेंस की और वो भी अपने क्राउड उनका गाना गा रहा था कि तभी ओमोस ने उन्हें बिग बूट लगाया और स्टार्टिंग डोमिनेंस जो थी इस मैच के अंदर वो ओमोस की ज़्यादा थी, लेकिन 3 क्रन स्कॉप लगा के सेथ रॉलिंस ने इस मैच के अंदर ओमोस को हरा दिया। और जो टॉप रोप के ऊपर से सेथ रॉलिंस ने क्रन स्कॉप लगाया ओमोस को, मेरे ख्याल से वो बहुत एक तरह का, मतलब जिस तरह का रैंडी ओर्टन का एक आरकेओ था रेसलमेनिया 31 के अंदर जो कि सेथ रॉलिंस को लगाया था, इसी तरह सेथ रॉलिंस का ये जो क्रन स्कॉप था टॉप ऑफ द रोप से ओमोस के ऊपर, तो ये भी एक तरह का एक आइकॉनिक मोमेंट WWE का बन चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस मैच के अंदर सेथ रॉलिंस ने ओमोस को हरा दिया था। इसके बाद हमें देखने को मिला ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, जहां पर ऑस्टिन थ्योरी जो थे वो अपने चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट ब्रूसन रीड एंड बॉबी लैशली। और जिस तरह की परफॉर्मेंस ब्रूसन रीड ने इस मैच के अंदर दी है, स्पेशली जो टॉप रोप्स के ऊपर से उन्होंने बैक फ्लिप लगाया था वो बहुत ही अमेजिंग था। और इस मैच के बाद हम ये चीज़ कह सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हमें ब्रूसन रीड जो हैं वो WWE के अंदर एक टॉप सुपरस्टार्स में से जो हैं वो एक बनते हुए दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है नेक्स्ट फ्यूचर वर्ल्ड चैम्पियन या फिर यूनिवर्सल चैम्पियन भी आने वाले कुछ सालों के अंदर ब्रूसन रीड बन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस ब्रूसन रीड ने इस मैच के अंदर दी। लेकिन एंड ऑफ द टाइम ऑस्टिन थ्योरी का, जैसा कि मैंने बैकिंग बॉक्स के अंदर भी प्रेडिक्ट किया था कि ऑस्टिन थ्योरी अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे, एक्जैक्टली इसी तरह ही हुआ और ऑस्टिन थ्योरी ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। इसके बाद जो हमें मैच देखने को मिला वो था रॉ स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए, जहां पर रिया रिप्ली जो थी वो अपने टाइटल को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट जेलिना वेगा। और जिस तरह की परफॉर्मेंस जेलिना वेगा ने दी और जो रिएक्शन उन्होंने क्राउड की तरफ से मिला था, काफ़ी टाइम के बाद हमने वुमेंस डिवीजन के अंदर ऐसा मैच देखा है जो कि वो भी मतलब पेपर व्यूज़ के अंदर, रेसलमेनिया की बात नहीं कर रहा, पेपर व्यूज़ के अंदर हमने इस तरह का मैच देखा है जहां पर, और एक तो जो क्राउड का रिएक्शन था ना वो इस मैच को एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहा था और कुछ उसका भी मैं कहूँगा कैसर था, लेकिन जेलिना वेगा की परफॉर्मेंस जो थी मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह की परफॉर्मेंस जेलिना वेगा देंगी, वो भी रिया रिप्ली के अंगेस्ट जो कि इस वक्त WWE की टॉप फीमेल सुपरस्टार की लिस्ट में मेरे ख्याल से नंबर 1 पर हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस जेलिना वेगा ने दी है, लेकिन इस मैच के अंदर रिया रिप्ली ने जेलिना वेगा को हरा दिया था और अपनी स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया, लेकिन एंड पे जेलिना वेगा को क्राउड की तरफ से, पोर्टो रिको के क्राउड की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। और आगे जाके पोर्टो रिको के क्राउड के इस रिएक्शन की वजह से और जिस तरह की परफॉर्मेंस जेलिना वेगा ने दी है, इसकी वजह से हमें आने वाले टाइम के अंदर जेलिना वेगा जो है वो टॉप कार्ड के अंदर, फीमेल्स डिवीजन के टॉप कार्ड के अंदर हमें आते हुए दिखाई दे सकती हैं। बहरहाल दोस्तों, इसके बाद स्ट्रीक फाइट मैच हमें देखने को मिला जो कि बैक बनी और
डेमियन प्रीस्ट के दरमियान था, और इस मैच को देखने के बाद ऐसा नहीं फील होता कि ये बैट बनी जो है वो WWE के सुपरस्टार नहीं बल्कि पहले 3-time ग्रैमी विनर सिंगर है, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस बैट बनी ने दी भाई, मानना पड़ेगा कि इस बंदे के अंदर ना WWE के लिए, WWE की रिंग के लिए, रेसलिंग के लिए एक अलग ही पैशन है और एक अलग ही जुनून है। देख के नहीं लग रहा था, हाँ साइज से ज़रूर पता चलता है कि भाई मतलब ये बंदा जो है वो रेसलर नहीं है, क्योंकि WWE की जो रेसलर्स की फिजिक्स होती है वो एक अलग ही तरह की होती है एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में। फिजिक वाइज बैग बनी जो है वो उस तरह के नहीं लग रहे थे, लेकिन जो स्किल्स थे और जिस तरह की परफॉर्मेंस बैग बनी ने दी इस मैच के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। और कार्लिको का हमने रिकर्न देखा इस मैच के अंदर, रिकर्न्स भी थे, जजमेंट डे की भी इन्वॉल्वमेंट थी, मतलब बाकी फिन बैलर और डोमिनिक मिस्केरियो की, रे मिस्केरियो भी थे। कार्लिको को जो रिएक्शन मिला रिकर्न के ऊपर और जिस तरह मतलब जिस शेप के अंदर थे कार्लिको, लास्ट टाइम मैंने कार्लिको को जब देखा था तो मेरे ख्याल से टैग टीम मैच के अंदर देखा था रॉ के अंदर कोविड वाले टाइम पर। तो इसके बाद कार्लिको का रिकर्न हुआ और जैसी शेप थी मेरे ख्याल से आगे WWE चाहे तो कार्लिको को आने वाले टाइम के अंदर दोबारा से उनको यूज़ कर सकती है WWE। खैर ये तो WWE के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस मैच के अंदर डेमियन प्रीस्ट को बैग बनी ने हरा दिया और अपनी WWE करियर उनका एक तरीके से अनफिकल जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले रेसलमेनिया के अंदर उन्होंने रेसल किया था और ये उनका दूसरा मैच था। तो अनफिकल स्ट्रीक जो है वो बैग बनी की कंटिन्यू रही। इसके बाद जो हमें मैच देखने को मिला वो एक टैग टीम मैच था, ट्रिपल थ्रेड, जहाँ पर जो हमारी ब्लड लाइन है वो फेस कर रही थी सैमी ज़ेन, केविन ओवंस और मैक्स रिगल की टीम को। कोई भी चैम्पियनशिप ऑन द लाइन नहीं थी इस मैच के अंदर, और इस मैच के अंदर हमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा WWE ने हाइप किया इस चीज़ को कि सोलो सिकोवा जो है वो ब्लड लाइन के वो मेम्बर हो सकते हैं, जो कि आगे जाके सोलो सिकोवा ही जो है वो सबसे ज़्यादा एक्शन और मतलब डैमेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा मोमेंट भी आया जब जिमी उसो को, जे उसो को सोलो सिकोवा ने पकड़ लिया था और जे उसो बस ऐसा लग रहा था कि अब सोलो सिकोवा ने अटैक कर देना है जे उसो के ऊपर भी और जिमी उसो के ऊपर भी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मैक्स रिगल ने वहाँ पर इंटरप्शन कर दी और इसके बाद मैक्स रिगल मैच जीतने ही वाले होते हैं अपनी गेम के लिए कि सोलो सिकोवा ने आके मैक्स रिगल को हटाया और अपना जो स्लैम लगाते हैं वो लगा के सोलो सिकोवा ने मैक्स रिगल को पिन किया और ब्लड लाइन को जितवा दी। और जीतने के बाद भी सोलो सिकोवा का जो रिएक्शन था अपने भाइयों की तरफ यानी कि उसोस की तरफ वो देखने वाला था और फी वाइब आ रही थी कि शायद WWE आगे जाके कुछ मेजर प्लान कर ये सोलो सिकोवा के लिए। बहरहाल दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे मेन इवेंट के बारे में, जो कि था द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स के दरमियान। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को मतलब जो प्रेडिक्शन वीडियो थी बैकलैश के हवाले से मैंने आपको बताया था कि हमें इस मैच के अंदर काफ़ी हद तक सिमिलर वाइब्स देखने को मिल सकती हैं जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के मैच की, तो इस तरह का कुछ इतना ख़ास नहीं था, लेकिन रिज़ल्ट वही था जिस तरह का हमने उस मैच के अंदर देखा था। लेकिन जैसे ही मतलब ये मैच स्टार्ट हुआ ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स का, मैच स्टार्ट होने से पहले ही बल्कि कोडी रोड इंटर पहले कर चुके थे, ब्रॉक लेसनर अपनी इंट्रेस कर रहे थे और ब्रॉक लेसनर अभी घूम ही रहे थे कि कोडी रोड्स ने बेल बजने से पहले ही, मैच स्टार्ट होने से पहले ही ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद ब्रॉक लेसनर को रिंग में लेके गए। मैच स्टार्ट हुआ और कुछ हद तक स्टार्टिंग में कुछ मिनट तक ब्रॉक लेसनर के बजाय कोडी रोड्स की डोमिनेंस थी इस मैच के अंदर, लेकिन फिर जब हमारे बीच खड़े हुए और उन्होंने सुप्लेक्स लगाना शुरू की तो कोडी रोड्स के पास काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं था। और फिर इस मैच के अंदर हमने वो चीज़ देखी जो कि लास्ट टाइम मेरे ख्याल से हमने बहुत टाइम पहले 4-5 साल तो इस चीज़ को हो ही चुके हैं, जितना ब्लड हम लोगों ने आज देखा ब्रॉक लेसनर का निकलते हुए, वरना WWE अपने टेलीविजन या फिर किसी भी चाहे रेसलमेनिया भी हो, बहुत कम चांसेस होते हैं कि WWE किसी मैच के अंदर इतना इस तरह का ब्लड वाला मैच दिखाए, वरना WWE नहीं दिखाती PG-era की वजह से। लेकिन आज हमने ये चीज़ देखी और इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर जो थे वो उनको हेड पे मतलब उनका सिर भी फटा, इंजरी भी हुई उनको, मतलब लेजिट इंजरी तो नहीं थी स्टोरी लाइन के लिहाज से, लेकिन फिर भी ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स के जो उनके फिनिशर्स थे उन पे किक आउट
किया और ना सिर्फ किक आउट किया बल्कि ब्रॉक लेसनर ने F5 भी लगाया कोडी रोड्स को, जिसपे कोडी रोड्स ने किक आउट कर दिया और फिर ब्रॉक लेसनर ने उनको कोमोरो लॉक के अंदर फंसा लिया और उसी चीज़ की एडवांटेज कोडी रोड्स ने उठाई जब ब्रॉक लेसनर का ही वेट कोडी रोड्स ने थोड़ा सा उनके अगेंस्ट यूज़ किया और ब्रॉक लेसनर के दोनों कंधे जो थे वो मैट पे लेवल पे आ गए थे जब उन्होंने कोमोरो लॉक लगाया था और रेफरी ने 3 काउंट करके कोडी रोड्स को ये मैच जो है वो एक तरीके से जितवा दिया। अगर कोडी रोड्स जो थे वो प्रेशर ना लगाते तो शायद ऐसा लग रहा था कि कोडी रोड्स कैप आउट कर देंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं हुई और कोडी रोड्स ने इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर को हरा दिया और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सही फिनिश भी थी क्योंकि कोडी रोड्स जो हैं वो उस वक्त बेबी फेस सुपरस्टार थे। इस तरह की फिनिश से ये है कि कोडी रोड्स का भी करैक्टर इतना डैमेज नहीं हुआ और ब्रॉक लेसनर का जो बी स्किन कॉर्नेट वाली जो वाइब जिस तरह की वो लेके आए थे जो कि हील टर्न ब्रॉक लेसनर ने किया था तो वो भी काफ़ी हद तक मतलब इतना डैमेज नहीं हुआ ब्रॉक लेसनर का करैक्टर, क्योंकि मैच ख़त्म होने के बाद मतलब कोडी रोड्स जो थे वो नीचे क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मैच फिनिश किया था तो कोडी रोड्स तेज़ी से रिंग से बाहर निकल गए थे, नीचे बैठे हुए थे और ब्रॉक लेसनर जो थे रिंग के अंदर बैठे हुए गुस्सा उनके चेहरे के ऊपर था कि ये मैच फिनिश किस तरह हुआ। और मैच के दौरान जिस तरह हम देख रहे थे कि बार बार ब्रॉक लेसनर को टावल पकड़ा रहे थे रेफरी क्योंकि उनका खून बहुत ज़्यादा निकल रहा था, तो ये चीज़ हमें अब कुछ टाइम बाद ही पता चलेगी कि क्या ये वाकई में मतलब प्री प्लान था ब्रॉक लेसनर का इतना ज़्यादा ब्लीड करना या फिर जो है वो टोटली अनसब्सक्रिप्टेड थोड़ी सी चीज़ें चलेगी। ये चीज़ तो हमें हर बाद में पता चलेगी लेकिन ये बैकलैश का रिजल्ट्स थे। और आज की वीडियो यहीं तक की थी, मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।